मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है ब्रह्म सरोवर गीता जयंती का पार्ट डे सिक्स, और डे सिक्स ही है ना, डे सेवन है मेरे ख्याल, आई थिंक डे सेवन है। तो डे सेवन है आज, और तारीख है कि आज 29। तो कुछ कमेंट है, सबसे पहले 795 नंबर शॉप, मैं दिखा दूंगा वापस, सॉफ्टी की शॉप है भाई। मैं इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ऑलरेडी, और आपको भीड़ रहती है तो इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। और उसके बाद आती है शॉप नंबर 303, वो भी भाई मैं दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा। और एक शॉप नंबर है 151, मतलब कि 551, ठीक है, 151, ठीक है, अब इसको 151, ठीक है। तो और उसके बाद जसवंत भाई, हाय कैसे हो, जसवंत सिंह हाय भाई कैसे हो। और राजपूत विशाल, विशु, विशु राजपूत, विशाल पता नहीं मैं भूल गया, विशाल विश राजपूत, हाय विशाल, राज विशाल, विशाल नहीं था यो, विशु, विशु, विशु वंश, वंश राजपूत भाई कैसा है भाई, शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। बाकी कोशिश रहती है कि आपके कमेंट जो है, वैसे मैं रिप्लाई कर देता हूँ वहीं पे, हाय या स्माइली, जो भी आपका कमेंट होता है। पर तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने बोला था कि एक बार वीडियो में नाम ले देना, मैंने ले दिया। जसवंत सिंह भाई कैसा है, मैं बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो। उसके बाद वंश राजपूत भाई कुरुक्षेत्र से है, पता नहीं कहाँ से, कुरुक्षेत्र से ही है। तो हाय भाई कैसे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तीन शॉप कवर करनी है, और आज की वीडियो जो रहेगी उसमें मैं आज दिखाने वाला हूँ कि जो जो चीज़ अभी काम चल रहा है जिसके ऊपर जो पूरी होगी, जैसे कि लाइटिंग शो के ऊपर चल रहा है अभी, वो 4 तारीख तक कवर होगा। हरियाणवी कल्चर लग रहा है, उसके सामने जयपुरी लग रहा है, जयपुर का कल्चर लग रहा है। बाकी दिखा दूंगा मैं आपको क्या क्या प्रोफेशन अभी रहती है, वो 4 तारीख तक कवर हो जाएगी, और जहाँ डांस होना है वही चीज़ दिखाऊंगा। मतलब कि अभी जो जिसके ऊपर काम चल रहा है, जैसे शॉप्स झूले जाले जो रहते हैं, वो तो आपको मैंने कल की वीडियो में दिखा दिया था। तो आज की वीडियो है जैसे कि शावर पॉइंट रहते हैं, जो लाइटिंग शो है, ठीक है, वो वाली जो चीज़ अभी रहती है आपको दिखाने वाली, कि वो चीज़ अभी तैयार हो रही है, वो आपको दिखाऊंगा वो चीज़ बस। तो चलो स्टार्ट करें। एक मिनट, ये इन्होंने दोबारा किया था कि भाई इंटरव्यू ले लेना, तो ये भाई अंदर बैठे हैं सॉफ्टी, ये 795 नंबर शॉप भाई ने शायद मैसेज किया था, मैसेज भैया आपने किया था, भाई इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, सॉरी यार, थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप ऐसे है कर दो, ओके थैंक यू। तो ये हो गया इनका, तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नमकीन का इंटरव्यू लिया जाएगा, बच्चा को बिलबुड़ी, ठीक है। तो अब हम आगे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अब हम आगे जाएंगे शॉप नंबर 151 शॉप नंबर पे जाएंगे, कि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए, और आज मैं बड़े बड़े एंगल अलग अलग से लूँगी, कोशिश तो ये रहेगी कि आज की वीडियो लंबी ना हो, पर क्या हो जाता है कि हो जाती है। मुझे कमेंट भी आया था कि हाँ भाई आप 1 घंटे की वीडियो बना करो चलेगी, पर पता क्या होता है कि अब मैं 1 घंटे की वीडियो के ऊपर मैं काम कर लूँ, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, फिर वो वीडियो दोपहर तक चली जाएगी। अब क्या होता है कि मैं अब जैसे 5 बजे है, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कवर कर लेता हूँ, आज बहुत भीड़ है। एंजॉय कर रहे हैं पूरा पूरा, और ये हुआ यहाँ के साथ, और भीड़ काफ़ी होगी, और ये इधर लगे हुए हैं, ये प्रदर्शनियाँ होती हैं छोटी छोटी। बाकी आज के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है हमारा, हम अब आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, इसको स्किप कर दूँ, ये थोड़ा चलने देता हूँ, और भीड़ आज थोड़ी भीड़ है ज़्यादा है, और भीड़ में आप देख लो, सॉरी भाई, तो आप देख सकते हो आज भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आज गीता जयंती का काफ़ी आगे दिन हो चुके हैं, और संडे वाले दिन तो जमे कहर वाला, मतलब कि भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी संडे वाले दिन, और आज भी काफ़ी भीड़ है, ऐसी बात नहीं कि आज भीड़ नहीं है, तो भीड़ तो होगी संडे वाले दिन। अब इसको नॉर्मल भी करते हैं ना, ये नॉर्मल है। तो अब हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, भीड़ है बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है, ऐसे वैसी बात नहीं है, और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, पता नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता। और मैं आज दो काम कर रहा हूँ, एक तो मैं साथ के साथ टिकटॉक की वीडियो बना रहा हूँ,
और क्योंकि टिकटॉक पे भी काफ़ी जने मुझे फॉलो कर ला पे, अगर आपने टिकटॉक पे नहीं फॉलो किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है टिकटॉक का, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो ठीक है। और टिकटॉक गंद पा लीजिए थोड़ा बहुत आप टिकटॉक पे भी। और बस अभी हम जा रहे हैं शॉप नंबर 151 के पास ही एकदम सामने पड़ता है, और वहीं पर तैयारी चल रही है जो अभी की चल रही है क्या कहते हैं शावर लाइटिंग शो का ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जहाँ पे डांस होना है सारा वो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कल्चर लगना है सारा ठीक है। तो तैयार हो जाओ आज देखेंगे, स्कूल भी आए हुए हैं ठीक है, और 8 तारीख को भी स्कूल आना है, देखते हैं वो भी कवर करेंगे टेंशन ना लो ठीक है। ये फिलहाल स्कूल आ रहे हैं ठीक है, तो ये सारे स्कूल है, ये स्कूल है, स्कूल है, बैकग्राउंड में स्कूल देख रहे हैं बैक कैमरे से, और स्कूल ही है ना ये सारे स्कूल ही होंगे ठीक है, बीच में शायद कॉलेज भी हो सकता है। तो ये सारे स्कूल है ठीक है, ऐसी बात नहीं कि कॉलेज भी है, मेरे ख्याल से अकेले स्कूल ही नहीं है, और बैकग्राउंड में गाने चल रहा है, चक भुंगड़े वाले गबरू जा रहे हैं ठीक है, इनकी भी प्रदर्शनियाँ होती है। बाकी आज भीड़ बहुत है, मैं आपको आज क्या बताऊँ, आज भीड़ बहुत है, बस ये बता सकता हूँ कि आज भीड़ बहुत है। तो सारे आ रहे हैं, और हाँ आज हम जा तो रहे हैं, पर अगर आज इतनी भीड़ है तो संडे वाले दिन कितनी भीड़ होगी आप अपने हिसाब लगा सकते हो, आज बहुत भीड़ है ठीक है, ये आप देख सकते हो आज भीड़ है, बल्कि संडे के हिसाब से ये कम है, संडे को तो बहुत भीड़ होगी, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होगी, क्योंकि 1 तारीख का जो संडे आने वाला ना वो जहर वाला संडे आने वाला है, 1 तारीख को जो संडे आएगा वो बल्कि बहुत ज़्यादा वो होगा, भीड़ होगी उस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बात कईयों को सैलरी मिल चुकी होगी ठीक है, दूसरी बात उससे अगला संडे कितनी तारीख को आएगा, 8 तारीख को आएगा, अच्छा 8 तारीख को, हाँ अगर आपने आना है तो आप 8 तारीख को भी आ सकते हो, यहाँ आपको लाइटिंग शो देखने को मिल जाएगा, 8 तारीख को ओवरऑल ये सारी तैयार हो जाएगी गीता जयंती, क्योंकि 10 को तो ख़त्म ही है ठीक है, 10 को इसका लास्ट डे है ठीक है, लास्ट डे भी हम शूट कर लेंगे, लास्ट डे को पता नहीं कितना आपको आएगा या नहीं आएगा, तो फिलहाल हम आगे जा रहे हैं ठीक है। और शॉप नंबर हम 50 के पास ही पहुँचे, ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे ठीक है, बस यहाँ भी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, अभी गाने चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो इतने बड़े नहीं चल रहे कि हाँ अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग वाले सॉन्ग तो हल्के से भी हल्के वाले भी वो आ जाते हैं, बस अब बैक कैमरा चला देता हूँ थोड़ा सा, ए भाई आ गया पीछे। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, बैक कैमरा चला दिया मैंने, एक बार आपको वीडियो दिखा देता हूँ आपको ठीक है, तो ये नज़ारा देख सकते हो, वो मंदिर वाला नज़ारा तो मैं दिखाना ही भूल गया, आपको दिखाता हूँ, ये शूट मैंने कल भी लिया था पर आज का शूट थोड़ा अलग होगा, आपको बहुत नज़ारा आने वाला है, बल्कि आपको फील दिखाने वाला हूँ कि क्या है, बल्कि अगर आप ब्रह्म स्वरूप पे आ रहे हो ये देखो, ये देखो अगर इसमें फोटो खींची है तो कितना मस्त लगेगा, शांत पानी एकदम नज़ारा ठीक है। तो अगर मैं पानी के अंदर भी डोल दूँ मेरा फ़ोन ख़राब नहीं होगा, अब ये देखो, ए चलो इसी बात पर लाइक कर दो ठीक है, स्क्रीन शॉट खींचनी आप खींच सकते हो ब्रह्म स्वरूप की, तो इस बात पर लाइक कर दो ठीक है। चलो हम आगे चले, आगे जाएंगे और आपको आज भीड़ भी दिखा देंगे ठीक है, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा ना अलग सा ही है, देखते हैं। तो अब हम आगे यहाँ पे होती हैं प्रदर्शनियाँ, ये स्कूल बैठा हुआ है, आई थिंक स्कूल ही बैठा हुआ है, ये कौन सा स्कूल है पूछ लेते हैं, स्कूल कौन सा है, ये कौन सा स्कूल है बेटा, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ये स्कूल महाराष्ट्र से आया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो, कैप 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 कैप, अरे इधर कैप, ये महाराष्ट्र का स्कूल आया हुआ है ठीक है, बल्कि स्कूल भी काफ़ी दूर दूर से आते हैं ठीक है, चेक कर सकते हो ठीक है। बाकी 8 तारीख को भी स्कूल आएंगे, महाराष्ट्र से ये स्कूल आया हुआ है ठीक है, तो महाराष्ट्र स्कूल आया हुआ है, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, और गीता जयंती इंटरनेशनली है ठीक है, इधर ताई गा रही है और उनकी गा रही है उस गाय भी है ठीक है, और ये आए हुए स्कूल महाराष्ट्र से, उनकी टूर कार निकाल लें ठीक है। तो अब आपको हम भीड़ दिखा देते हैं, वैसे बैकग्राउंड का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है भाई, कहता हूँ हाँ भाई बोल ले, बोल ले और कुछ बोल ले, हाँ तो भाई यूट्यूब पे आएगी स्विमिंग भाई बनी, हाँ भाई एंड कर लिया, फोकस कर लिया तेरे पे, बोल ले अगर कुछ बोलना है, गर्मी गुर्मी निकाल ले, स्विमिंग भाई बनी, और बेंच टूटा हुआ है मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप भीड़ देख सकते हो कितनी है, स्विमिंग बाय मनी ले, ये देख पीछे लिखा टी शर्ट के, खींच ले खींच ले फोटो खींच ले, ये स्कूल महाराष्ट्र से, अरे बल्कि ओ
सर्च मार ले, सारे डे मिलेंगे। ये तो आज का दिन है जिस डे 7 में आएगी, ये तो फर्स्ट डे से आ रहा है। ठीक है तो फ्रेंड्स, वो कई स्कूल काफ़ी दूर दूर से है। ओके भाई, ये भाई बोल रहा था हम कितनी देर से खड़े हैं, मैं कर ही देता हूँ फोकस। तो शॉप नंबर निकलना है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, देखना थोड़ा सा जगह देना, शुक्रिया। ठीक है, कहाँ निकले? तो हम आगे जा रहे हैं। और मैं बैक कैमरा चलाऊँ, फ्रंट कैमरा चलाऊँ, कैसा लगेगा? फ्रंट कैमरा चलाऊँ पर उसकी के लिए बेस आ रही है, और बस बेस ही आ रही है उसकी, और हम आगे जा रहे हैं। टिकटॉक पे भी वीडियो बना रहा हूँ बीच बीच। ठीक है, और मैं हम वहाँ पहुँच के, जहाँ पे अभी लाइटिंग शो की तैयारी चल रही है। ठीक है, लाइटिंग शो की सारी तैयारी हम पूछ लेंगे कब तक चलेगा। जो काम कर रहे हैं शायद उनको पता होगा, अगर उनको पता होगा तो हम बता भी देंगे। बाकी इससे ही आ रहा ना, पीछे वेदर भी सही आ रहा हो, पीछे भीड़, पूरी पूरी भीड़ आ रही है, कोई ऐसे चक्कर नहीं है। ठीक है, इधर शॉप्स है, ठीक है, पर मैं आगे ही चल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर सही है ना, मतलब कि बैक से कैसा लग रहा हूँ मैं, बैक से, मतलब कि अगर बैक से कैमरा चलाऊँ तो कैसा लग रहा हूँ। ठीक है ना, तो बैक कैमरा नहीं, हम फ्रंट कैमरा चलाएंगे। फ्रंट कैमरे में साउंड थोड़ी अलग से आती है, क्लियरिटी आती है साउंड में जब हम फ्रंट कैमरा चलाते हैं। बैक कैमरे में साउंड, जो साउंड आता है ना, वो इतना क्लियर नहीं आता। मैंने देखा, गौर करके देखा था, पर ये व्यूज काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, बाकी भीड़ भी बहुत है। ठीक है, बाकी जो शॉट ले रहा हूँ, छोटे छोटे ले रहा हूँ, फिर शॉप ना निकल जाए। 90 नंबर शॉप के पास पहुँच गए हम। ठीक है, बाकी बस काफ़ी जने हैं जो यहीं से वीडियो देख लेते हैं। तो ये जो तैयारी चल रही है, जो तैयारी चल रही है लाइटिंग शो की, ये इसका टेंट है शायद, इसके अंदर प्रोजेक्टर लगेगा। ठीक है, बाकी ये पीपनियाँ पीपनियाँ बजाने वाली। ठीक है, तो अभी ये शॉप ये आपको मैं लाइटिंग शो, यहाँ पे सेटअप चल रहा है ना लाइटिंग शो का, वो आपको सारा सेटअप दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग शो पे पर्दे लगे होंगे, ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे सीढ़ियाँ इस बार इन्होंने काफ़ी दूर तक रखी हुई हैं, ये लाइटिंग शो का चल रहा है, मैं आपको कोशिश करूँगा। और ये डीजे डूजे भी आ गए हैं, कहानी जब कथा चलती है, ये ऐसे नहीं है, ये पूरी कथा चलती है। ठीक है, ये सारे डीजे डूजे आ गए हैं, सिस्टम आ गया है, बहुत जल्दी तैयार और सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे इनसे पूछेंगे जो वेल्ड कर रहे हैं कि कब तक ये चल पड़ेगा, लाइटिंग शो कब तक चले पड़ेगा। ये हमारा सबसे पहला है कि हाँ हम लाइटिंग शो कवर करेंगे, कब तक चलेगा। ठीक है, बाकी ये लेबर है यहाँ काम कर रही है। भाई ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? दो तारीख को लाइटिंग शो, तीन तारीख शाम को। टाइमिंग क्या रहेगा? और मैं वहाँ जा सकता हूँ? मुझे स्विमिंग आती है, प्रोफेशनल स्विमर हूँ। हैं, चला जाओ, मुझे आती है स्विमिंग, मैं प्रोफेशनल स्विमर हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इनका मतलब कि सारा सिस्टम चला हुआ है। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हो, लाइटिंग शो के लिए काफ़ी तैयारी लगती है। ठीक है, तो अब मैं आपको लाइटिंग शो दिखाने वाला हूँ। ये मतलब कि ये सारा सेटअप है, ये गत्ते को इन्होंने बोर्ड वार्ड लगाए हुए हैं, उधर सारा सेटअप चल रहा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 3 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर ये आप देख सकते हो, ये सारे काले पर्दे लगाए हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। अभी ये जनरेटर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा सेटअप है, चलो आपको आगे जाके दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अगर सपोज करो फटा फुट्टा अगर टूट टाट जाए तो उसका डर लेता है। बाकी ये आप देख सकते हो, ये पूरा एक अमेरिका की फील दिवाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा कि हाँ भाई ये सेटअप काम चल रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है। ठीक है, बाकी क्या होता है कि रहता है कि थोड़ा बहुत कि दिक्कत ना हो, जिसको स्विमिंग नहीं आती या कुछ दिक्कत रहती है तो उसके लिए। ठीक है, ये सारी लेबर काम कर रहे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं सारे जने। ये इधर काम चल रहा है, ये काफ़ी दूर तक, अभी और दूर तक जाएगा, ये पीछे भी इनका सेटअप चल रहा है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये 2 तारीख तक पूरा कवर हो जाएगा और 3 तारीख तक ये पूरा ओवरऑल आ जाएगा। मतलब कि 3 तारीख तक ये आपको शो मिलेगा शाम को 6 बजे देखने को, और मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, ये बाकी सारे अपना लगे हुए हैं, मेहनत करने लगे हुए हैं, और देख लो ये कुछ दिनों तक लिए लगाना है, पर कितना सेटअप लगता है, कितनी मेहनत लगती है भाई। ये और लंबा कितना होगा? इतना लंबा होगा, पीछे वो बोला वैसे वो 8x30 का लगेगा, मुझे लग रहा है ना। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, और ये 3 तारीख को स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये अभी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इसके यहाँ पीछे भी है ना एक पर्दा लगा हुआ स्क्रीन, और यहाँ वहाँ पे है ना शावर लगे होंगे, जिसके कारण लंबे लंबे शावर आएंगे, जो बहुत अच्छा सेटअप रहेगा। तो ये आप देख लिया, अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कर दो फिर, तैयारी करके कैसा लग रहा है?
लगे रहो बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स इन्होंने ना खाली ड्रम रखे होते हैं, ये बंद किए होते हैं सील, और जो ब्रह्म सरोवर के ऊपर मतलब कि ऐसे तैरा होता है ये लंबे लंबे इन्होंने ना मेरे आई थिंक ये 15 फुट के बनाए होते हैं, ये 15 फुट गहरा पूल है ठीक है। यहाँ पे एक किश्ती भी है, यहाँ पे कुछ मांस मूल लेके आना, बाकी वो देखो ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं। तो चलो अब हम चलते हैं आगे, ये शॉप नंबर दिखाएंगे ठीक है। तो ये आपको तैयार, सर कब तक तैयार हो जाएगा ये? अच्छा मतलब आप सेकंड को चला के देख लोगे कि हाँ भी ओके है, सारा कोई दिक्कत तो नहीं है? चला के एक बार चेक कर लेंगे, और थर्ड से इवनिंग से ये शो चालू होगा। मतलब कितने टाइमिंग क्या रहेगी? 6:15 से स्टार्ट होगा। 6:15 और कितने मिनट का शो रहेगा ये? दो लैंग्वेज में, इंग्लिश में और हिंदी में। अच्छा 30 मिनट्स ईच। अच्छा मतलब आधा घंटा लगेगा इंग्लिश में, आधा घंटा अब हिंदी में। तो थैंक यू सर। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें इंग्लिश और हिंदी मतलब कि फॉरनर भी आते हैं इसलिए, तो ये इंग्लिश में भी चलेगा। कई जने जो इंग्लिश समझते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा बाहर से जो स्कूल आया था, कईयों को हिंदी नहीं आती, कईयों को अपनी भाषा आती है। जैसे कि हम उत्तराखंड वाली साइड चले जाते हैं, मुझे लेना नहीं आता किस किस साइड चले जाते हैं। तो चलो थोड़ा हम स्किप भी कर देते हैं इसको, मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो जनरेटर शोर चल रहा है, दूसरी बात कि अगर मेरा ध्यान इधर उधर गया, तार में पैर पुर फंस गया तो दिक्कत हो सकती है ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। और बस यही था, पहला था कि हमने लाइटिंग शो दिखाना है और कब तक लाइटिंग शो चल जाएगा ये चीज़ बतानी है। लाइटिंग शो चल जाएगा, 2 तरीक को जो टेस्ट कर लेंगे और 3 तरीक तक आपको लाइटिंग शो मिल जाएगा देखने के लिए ठीक है। बाकी हम आगे जा रहे हैं, अब हम शॉप भी कवर कर लेंगे। 121 शॉप नंबर आ गया, हमने 151 के पास जाना है ठीक है। और फिर उसके बाद हमने 303 नंबर शॉप दिखानी है, 303 ठीक है। उसके बाद क्या था, बस उसके बाद फिर मैं आपको नहीं, उससे पहले 303 शॉप से पहले ही मैं आपको वो दिखा दूंगा जो जहाँ पे डांस होना है। कईयों को नहीं पता कि डांस अब कहाँ होना है, जैसे कि है कई जने जिनको नहीं पता, तो बस वही चीज़ कवर करने जा रहा हूँ, अभी वही चीज़ कवर करेंगे। तो जा रहे हैं कवर करने के लिए, बाकी वीडियो जितनी लंबी होती जाती है वो उतनी बढ़ती रहती है। जो लगे हुए पिपनियाँ बजाने जो मेले में शोर करते हैं ठीक है। तो बाकी संडे वाले दिन मतलब कि 1 तरीक को देखने वाला होगा, कल 30 है, परसों संडे एंड जहर वाला 131 के पास हम पहुंच चुके हैं, एकदम जहर वाला मज़ा आने वाला है ठीक है। तो अब हम बैक कैमरा चला, कम से कम नहीं तो 10,000 पापड़, तो रोज मैं 10,000 स्टेप चल ही लेता हूँ ठीक है। अब क्या करेंगे हम, है ना, ओ 43 मतलब कि 50 आई थिंक वहाँ पे होगी ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं ठीक है, तेज़ तेज़ जा रहे हैं, और क्या कहते हैं कुछ नहीं कहते। तो वेदर बहुत अच्छा चल रहा है ठीक है, आज भीड़ पहले से काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा है, और ठंड थोड़ी कम है ठीक है। फैमिली यहाँ आती हैं तो ठंड आज कम है। और शॉप नंबर 151 ज्वेलरी की शॉप है ठीक है, इनमें से पता नहीं मुझे किसने कमेंट किया है ये शॉप है 151 ठीक है। आपको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ, भाई ने कमेंट किया था ठीक है, भाई कवर कर लेना, ये 151 शॉप है ठीक है। प्राइस टैग क्या है मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ प्राइस क्या है यहाँ पे ठीक है। नो बार्गेनिंग कुछ लिखा है, ये चेक कर लो, अगर आपने इस शॉप पे आना तो बार्गेनिंग मत करना, रेट उनको फिक्स मिलेंगे। ये फंस गया, हाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, और इसका भाई इसका रेट होता ना, अच्छा इस पर डिस्काउंट नहीं है, उस पर है, इस पर फोकस रहो, मेन आइटम ये है। अच्छा नई आइटम ये है, मेन आइटम, अच्छा मेन आइटम ये है ठीक है। मैंने तो स्मॉल साइज से, तो फ्रेंड्स झुमके भी है यहाँ, ये चेक कर सकते हो ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो ठीक है। डिस्काउंट कुछ नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्राइस बताना? 50 रुपये से स्टार्ट है, और एंड कहाँ पे है? 2000 पे। 2000 वाली आइटम कौन सी है? ये 2000 की है, और 50 रुपये वाली, ओके 50 रुपये के ये मिलेंगे, 2000 रुपये के ये मिलेंगे, इनका बीच में रेट होगा 250-300 ऐसे बीच में होगा ठीक है। तो ये कड़े हैं ठीक है, तो डिस्काउंट कोई नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है साफ, खिच नहीं करनी, चुपचाप आना है, सामान देखना है और निकलना है ठीक है। जो पसंद है वो चीज़ ले लेना ठीक है। ये भाई उदास क्यों बैठा भाई? कोई बात नहीं, कल आ जाएगा ना संडे, फिर देखियो होता है ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे जा रहे हैं, और 151 में आपको ज्वेलरी देखने को मिलेगी ना, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई बहस नहीं करनी, और फिक्स प्राइस है ठीक है। ठीक है भाई फिक्स प्राइस है, लेना लो नहीं लेना ला लो ठीक है ना, इसमें किचकिच नहीं रहती, टाइम वेस्ट नहीं होता। एक बार उसने बता दिया कि ये फिक्स प्राइस है, अगर आपको पुगता है तो ले लो, नहीं पुगता तो आंखें बंद करो कट लो, ये रहता है ठीक है। और अभी है ना कुछ आ रहा है, तो कुछ आ रहा है तो जाना भी है। तो फ्रेंड्स बस
अब मैं थोड़ी स्किप कर देता हूँ और बैक कैमरा चला दिया। अब हमने स्किप करके बैक कैमरा चला दिया। बैक कैमरे में क्या होता है कि आपको शॉप्स अच्छी देखने को मिल जाती है और वेदर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये वेदर देख सकते हो, उस साइड काफ़ी भीड़ है। जैसे भीड़ का नज़ारा आप देख ही सकते हो ना, बल्कि भीड़ देख सकते हो आज बाकियों से ज़्यादा भीड़ है। और बाकी अंधेरा है तो इतना ज़्यादा फोकस कर नहीं पाता। ये जब फोकस करते हैं ना दूर तक, क्योंकि वहाँ होती है अंधेरा होता है तो वहाँ इतना होता नहीं है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ। तो फ्रेंड्स चलो अब ना इसको स्किप कर देते हैं और उसके बाद मैं चलाता हूँ। इतने में टिकटॉक बना लेते हैं एक। हाँ टिकटॉक देखते हो तो मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आईडी है, लिंक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट मैं टिकटॉक पे खुल जाएगा, नाले आपने फॉलो का बटन दबा देना है, ठीक है। बाकी टूटी फूटी जैसे भी टिकटॉक बना लेता हूँ देख लेना, बाकी कोशिश रहती है कि थोड़ी बढ़िया बना दूँ। ये भाई पापड़ खाता खाता मुझे देख रहा है, भाई पापड़ गिर इधर। तो चलो अब थोड़ी स्किप कर देते हैं ताजो वीडियो लंबी ना हो। अब शॉप नंबर हमने आना है, उससे पहले कुछ और चीज़ दिखानी है। तो एक्साइटेड सस्पेंस है कुछ ऐसा कि भाई ने अभी मैं कमेंट अभी मैं थोड़ी देर फ्री हुआ था तो भाई ने कमेंट किया था कि हरियाणा द्वार के ऊपर एक वीडियो बना दो। भाई हरियाणा द्वार के ऊपर आज कितना काम हो गया उसका कंप्लीट, वो आज मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में। वैसे हरियाणा द्वार जो है वो आई थिंक वो भी 2-3 तारीख तक कवर हो जाएगा, सारा बन जाएगा, पर आज की वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि वो कितना तैयार हो गया है, ठीक है। और कमेंट काफ़ी जन किया है कि बहुत अच्छी वीडियो बनती है, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे लाइक करते रहो और कोशिश रहेगी आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट देते रहूँ, ठीक है। टेंशन लेनी, कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा। और आज जो है गीता जयंती का 7वां दिन है, ठीक है। 29 तारीख है, 23 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 7वां दिन है, मतलब कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्या होता है कि यादव कमज़ोर है। तो बस आज का 7वां दिन है, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं डांस होगा यहाँ पे। अभी इंटरनेशनल में कौन कौन आने वाले ये मुझे पता नहीं, पता कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पता करेंगे कि इंटरनेशनल में कौन कौन आने वाले हैं, वो हम बहुत जल्दी पता कर लेंगे, ठीक है। और आज का सीन क्या है ये देखो, ये ना बहुत दूर से आते हैं, जो इन्होंने येलो येलो डाल रखे होते हैं ना, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से है, ठीक है। तो आपने टेंशन लेने पूछ लेते हैं कहाँ से ज़्यादा क्या हो जाए, ये फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, पूछूं? ओके पूछता हूँ भैया, आप कहाँ से हो, कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से भाई। फरीदाबाद, फरीदाबाद ये आए हैं सारे फरीदाबाद आ रहे हो, आप ही आ रहे हो, ये सारे फरीदाबाद से हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, लोग गीता जयंती दूर दूर से देखने आते हैं। अभी हम जाएंगे जहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर वहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा तो मैं कमेंट्री कर दूंगा। तो वो जो एरिया वो आपको गेट नंबर 7 से यहाँ पे कल मैंने आपको झूले दिखाए थे उसी साइड एरिया में मिलेंगे। तो चलो थोड़ा स्किप कर देता हूँ और सीधा मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ। ये 7 नंबर गेट से आप एग्जिट करोगे, जैसे आप 7 नंबर गेट से एग्जिट करोगे उसके एकदम सामने है जहाँ पे झूले लगे हुए, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में वो काफ़ी बड़ा आपको दिख ही जाएगा, वैसे पता चल जाएगा पंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हो रहा है डांस। और वहीं पे अगर कोई आ रहा है तो वो मैं आपको बता दूंगा, अगले पार्ट में बता दूंगा, अभी मैंने गौर नहीं किया। वैसे पूरे कुरुक्षेत्र में बैनर लगे होते हैं कि कौन आ रहा है, वो एरिया है, ठीक है। वो एरिया की कितनी तैयारी चल रही है, कितनी रह गई है, वो हम आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ। अगर नहीं दिखा सकता तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। फिलहाल हम वहाँ तक जा रहे हैं। स्टार्टअप इनका बहुत तगड़ा है, एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगा वो सारा हम देख लेंगे, पर यहाँ से एंट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ से एंट्री ये नहीं है, ये तो पक्की वाला है, ये पार्किंग लगी हुई है, गाड़ी पार्किंग यहाँ होती है, ठीक है। इसको थोड़ा स्किप करके ना जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। मैं बता दूँ कि आ कौन कौन रहा है उसके ऊपर फोकस कर देता है कि कौन कौन आ रहा है, ठीक है। सतिंदर सरताज आ रहा है, ये बहुत बढ़िया है। मानना दे मान गुरदास मान भी आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये नाम लिखे हुए हैं आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, ये नाम देख सकते हो, ठीक है। ये गुरदास मान साहब आ रहे हैं, ये आप नाम सकते हो, लाइव आएगा ये सारा कुछ, ठीक है। दिलेर मेहंदी तुम 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 ताना, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अब एंट्री, ठीक है। सतिंदर सरताज जी भी आ रहे हैं, मुझे सतिंदर सरताज जी जो लिखते हैं, जो इनके सॉन्ग होते हैं, उनके हर एक के मीनिंग रहते हैं, ठीक है। ये आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, ठीक है। ये सारी हस्तियाँ आ रही हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो इस पंडाल के अंदर ही रहेगी, जो अभी तैयार हो रहा है, सेटअप लग रहा है, ठीक है। इनका एंट्री गेट यहाँ से रहेगा जी, आप देख सकते हो ये सारा इन्होंने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। एंट्री गेट इनकी यहाँ से रहेगी और गेट नंबर 7 से आप एग्जिट करोगे। तो अभी यहाँ सेटिंग चल रही है, हम देखते हैं अंदर जाने को कुछ जुगाड़ में ठहरा या है, हाँ जुगाड़ है। तो फ्रेंड्स हम अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे बुड लगा हुआ है, ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे बना दिया, यहाँ पे फ्लैक्स लगेगी सारी एकदम एंट्री, मतलब कि ऑसम लगेगा। आप एंटर करके आपको ऐसा ही लगेगा कि आप यहाँ पे आए हो, वो ये रातों रात खड़ा हो गया, ठीक है। इधर ये सारा सेटअप चल रहा है, ये स्टेज तैयार हो रही है, ठीक है। इधर बैठने के लिए हो रहा है तैयार, ठीक है। ये सारा तैयार हो रहा है, हम पूछते हैं कि कब तक ये तैयार हो जाएगा,
ठीक है, ये भाई अपना काम कर रहा है, तो ये पर्दे पुर्दे काम कर रहे हैं। भाई ये कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक तैयार हो जाएगा? 2 तारीख को ही है ये। और यहाँ पे परफॉर्मेंस कब से स्टार्ट होगी? 4 तारीख से होगी। हाँ शायद 4 तारीख से होगी। 4 तारीख को कौन कौन आएगा, वो कैसे कैसे आएगा आपको मिल जाएगा। ऊपर सेटअप तैयारी देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते आगे, इधर चेयर चूर्स लग रही हैं, ये सारा सेटअप तैयार हो रहा है, ठीक है, इधर आप देख सकते हो। तो चलो अब आगे चलते हैं, अभी आपको मैंने बहुत कुछ दिखाना जो रहता है इसमें, ठीक है। ये टुन्ने टुन्ने सारी सेटअप होनी है, ठीक है। तो ये सारे लेबर लगी हुई है, अच्छे से मेहनत कर रही है दिल लगा के। और ये गीता जयंती की अभी आधी गीता जयंती हुई है, अभी ये काम चल रहा है 3 तारीख तक। मतलब कि अगर सपोज करो कि अगर आप 4 तारीख को 5 तारीख को आओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, आपको टाइमिंग का भी पता लग जाएगा, ठीक है। अभी वो मैंने जिसके फ्लैक्स के ऊपर मैंने जो फोकस किया था उनके ऊपर डेट भी लिखी होगी, अभी मुझे याद नहीं कौन सी डेट है। आ जाएगा, जब आएंगे तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं पास लेने की कोशिश करूँगा कि मुझे पास मिल जाए, मैं एकदम पास से शूट कर पाऊँ। अगर पास से शूट करता हूँ आपको मज़ा ही आ जाएगा। 8 को आएंगे सतिंदर सरताज, और 7 को आएंगे ये कौन है लाइव, अभिजीत, ठीक है, अभिजीत, ठीक है। उसके बाद 6 दिसंबर को आएंगे ये दो महान हस्तियाँ, मुझे पता नहीं कौन है ये, गुलेल की इनकी होंगी, कवाली गाते होंगे शायद, आई थिंक, मुझे पता नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम अब गाने से कट रहा हूँ, ठीक है। ये 5 दिसंबर को आएंगे दलेर मेहंदी, ठीक है, और ये आएंगे जो गदर पिक्चर में एक्टिंग थी, जिन्होंने गदर पिक्चर की जानते होंगे। ये 4 दिसंबर को आएंगी अमृता परशेट, पता नहीं क्या है, ठीक है। ये माना दे मान गुरदास मान 3 दिसंबर को आएंगे। तो देख लिया चैनल सब्सक्राइब करने का कितना फ़ायदा है, मैं आपके लिए कैसे कैसे रास्तों पर चल रहा हूँ, ओके सोखे रास्तों में चेक कर सकते हो, ओके सोखे रास्तों पर चल रहा हूँ, ओके सोखे रास्तों में। और आपके कमेंटों का रिप्लाई भी देता हूँ, घर बैठे बैठाए आपको गीता जयंती भी दिखाता हूँ। इसी खुशी में लाइक कर दिया करो, लाइक से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और अच्छा लगता है कि हाँ भी एटलीस्ट मेहनत की, उसमें कोई कमी नहीं है। तो लाइक कर दो, डिसलाइक करना आपका हक है, आप लाइक करना आपका हक है, नहीं करना तो ठीक है, पर अगर अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करो। ज़्यादा नहीं हो गया ये, ज़्यादा हो गया तो बस अब हम गीता जयंती के वापस अंदर जाएंगे, ठीक है। और वीडियो मैं कोशिश करता हूँ छोटी से छोटी बन जाए, पर बड़ी से बड़ी बनती जा रही है, ठीक है। अभी जिस दिन भीड़ होगी उस दिन ज़्यादा बनेगी, पता नहीं क्या होगा। और बाकी थोड़ा स्टैमिना भी बढ़ता जा रहा है, पहले सांस चढ़ जाता था, अभी तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा ना, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। पर हाँ, मेरी वीडियो में कई जनों को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनके लिए सॉरी यार, क्या करूँ, गीता जयंती कवर करनी है, कईयों को नहीं होती पर कईयों को होती है, सड़क क्रॉस करनी है, सड़क क्रॉस करनी है, मैंने टेंशन ना लो, हम अब सड़क क्रॉस कर लें। और इंडिया में यही पंगा है कि ओ ये स्कूल, एक कौन सा स्कूल है बेटा है, ये कहाँ पे है, दिल्ली से, शॉर्टकट से, ये दिल्ली से है स्कूल, ठीक है, दिल्ली न्यू दिल्ली की ओल्ड दिल्ली, ये तो मुझे याद नहीं रहा पूछने के लिए, ठीक है। अभी हम सड़क क्रॉस करेंगे, तो फ्रेंड्स ये करते समय इधर उधर देखना चाहिए, जो मैंने देख लिया था, ये स्कूल था दिल्ली से, ठीक है, ये भी अभी वही दिल्ली से स्कूल ही जा रहा है, तो ये पूछ लेता हूँ कहाँ से है, एक मिनट, ये कहाँ से स्कूल है मैम, ये स्कूल कहाँ से है, ये दिल्ली वाला स्कूल है, टेंशन लेनी, ये दिल्ली से स्कूल था, ठीक है, और जो पहले गया ये वही स्कूल था शायद, ये क्लासेस बड़ी होंगी, तो बस हम वहाँ से आ गए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे मतलब कि जो एक तो दो कमेंट रहते हैं, दो शॉप्स हमने कवर कर ली, ठीक है, एक कमेंट रहता है, और जिसकी मैंने पहले शॉप कवर कर ली, रिक्वेस्ट है उनको जी वो बार बार मैसेज ना भेजो, ठीक है। और बस हो गया, बाकी 712 नंबर शॉप ने मुझे थैंक यू का कमेंट किया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना है वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इतने प्यार से कमेंट करते हो तो रिप्लाई देना मेरा फ़र्ज बनता है, ठीक है। अब हम अंदर आ गए, 7 नंबर गेट से हम अंदर आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं 303 नंबर शॉप पे, ठीक है, 303 नंबर पे शॉप पे जा रहे हैं। ये भैया ने मैंने बैक कैमरा चला दिया है, ठीक है, अब हम शॉप नंबर जा रहे हैं 303 पे, ठीक है। उसके बाद हम मैं आपको दिखाऊंगा, ओहो उनको पता नहीं था कैमरा इनके आगे से निकल चुका है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं 303 नंबर शॉप पे, ठीक है। ओवरऑल जिस साइकिल लेके भी आया है, हाँ कहीं थक जाते हैं तो उनको साइकिल लेके भी आना पड़ता है, तो साइकिल ये लेबर है जो यहाँ पे काम करती है, ठीक है। बाकी ये शॉप्स देख सकते हो, ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर शॉप्स सारी दिखाऊंगा, जिसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक होगा उसमें मैं कट कर दूंगा, जहाँ पे म्यूज़िक नहीं होगा वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा,
ठीक है, बैकग्राउंड में अगर गाने चल पड़े तो मैं ये बंद कर दूंगा और म्यूजिक लगाना पड़ेगा, और हल्का सा गाना चला भी देते हैं कि वो कट हो जाएगी। मैं कई जगह कट कर देता हूँ, गाने होते हैं पर ऐसे कोशिश यही रहती है कि कट ना करूँ, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाओ। म्यूजिक लगा के आपको पता है कल रात को मैं एडिटिंग करता था तो मेरे 3 घंटे लग गए एडिटिंग करके, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था। जब भी मैं कमेंट्री पूरी कर रहा था ना उसमें दिक्कत आ रही थी, वो एरर शो कर देती थी। पहले मैंने बग समझा, फिर दूसरी बार की थी, फिर तीसरी बार की, बार बार यही इशू आ गया। फिर मैंने थक हार के थोड़ी सी कमेंट्री करने के बाद मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दी, तो म्यूजिक से आपको काम चलाना पड़ा। चलो कोशिश तो बढ़िया थी कि हाँ भाई हमने तो कोशिश की, ये अगर हम ना कोशिश करते फिर बात अलग होती। तो चलो अब बैक कैमरा चला देते हैं, और बस वैसे ऐसे भी अच्छा लगता हूँ ना क्योंकि मतलब सैर कर रहा हो तो और ऐसे चल रहा हो ना तो ठीक चल रही है, ठीक है। और बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं है कहीं पे भी, और डीजे ना चले बस। तो अभी हम पहुँच गए हैं 303 नंबर शॉप पे, नहीं 303 नंबर शॉप के पास, 303 नंबर शॉप तो आगे है हम पर, 303 नंबर शॉप के पास पहुँच चुके हैं। और ये 300 नंबर शॉप, ये 303 नंबर, अभी दिख 303 नंबर शॉप क्लियर नहीं दिख रही, इसके ऊपर पेंट लगा हुआ है। ये 303 नंबर शॉप, ये कमेंट आया था, ये शायद उनके फादर है जिन्होंने कमेंट किया था, तो अंकल के बोलते हैं। ये ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। सर एक बार हाई कर दो, आपके लड़के ने बोला था कमेंट कर देना, मतलब कि शॉप दिखा देना, मेरे मम्मी पापा वहीं पे है। तो भाई ये आपके पापा, आई थिंक ये मम्मा, तो आंटी हाई कर दो। तो आई होप कि आपको बढ़िया लगा हो, और ये आपके बेटे ने मुझे कमेंट किया। 303 नंबर शॉप मैंने कवर कर ली है, और हाँ ये इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो ये ज्वेलरी पड़ी है ये राजस्थान की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, मेरे स्पेलिंग फंस जाते समझ लो, ठीक है। तो बाकी यहाँ के प्राइस क्या थोड़े पता कर लेते हैं। सर कहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक एंड होती है, मतलब कि ये 50 रुपये से शुरू होती है और इसका 4,000-5,000 तक, 50 रुपये से शुरू हो जाएगी और 4,000-5,000 तक है। और फिक्स प्राइस है या प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं 150 रुपये? हाँ, मतलब कि यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत, ज़्यादा ही नहीं, ठीक है। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और शायद आप अपने मम्मी पापा को मिस कर रहे होंगे। तो अब वीडियो में क्लियर दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये 303 नंबर शॉप है, पहले कमेंट में आपने 300 नंबर शॉप लिखा था तो वो आपने गलती लिखा था, वो मेरी गलती नहीं, वो आपकी गलती थी। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने जो आपने कहा था वो क्लियर हो गया। चलो अब आगे जा रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, अगर हाँ आपकी भी कोई शॉप हो मुझे कमेंट कर देना। और बस यही है कि यार खुशियाँ बांटो, अगर हम खुशियाँ बांटेंगे तो अपने खुशी मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, अंदर से खुशी आती है, टपक टपक बाहर आती है खुशी, तो काफ़ी बढ़िया लगता है, ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम बैक कैमरा चला देते हैं, जिसके कारण आपको वेदर का नज़ारा आएगा, वेदर का। अभी ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह पे लग रही है, चल रही है, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो बुरा मत मानना, ठीक है। जयपुर से, ठीक है, जयपुर से कह रहे फोटो खींच लो और हमें व्हाट्सएप पे दे दो, मगर 300 बंदे लोग हैं, कहाँ से कहाँ हम वो करेंगे, ठीक है। तो आ गया भाई, आ गया, तो आप कहाँ से हो? इसका नाम सागर, हम तो यहीं के हैं, उरी के यहाँ 4 किलोमीटर दूर से, यहीं पे 4 किलोमीटर दूर से है। ये स्कूल है, स्कूल है, ये जो जितना भी स्कूल है ये जयपुर से है, जयपुर से एक जींस, एक मिनट रुक जाए, थ्री इडियट। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, अभी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो इनके जो पीछे जा रहा है, अरे आरती जी आ गई, फोटो नहीं वीडियो आएगी आपके सामने, जैसी भी है जी, हमने कुछ नहीं करना। तो हीरो इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, जैसे इसके मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने इसकी डैश फ्लैश और ऑप्टिमा नेक्स्ट की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, ये मैडम आपने को हर एक वीडियो में मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये हीरो वाला की है, ये इधर लगी हुई है हीरो की बाइक, हीरो इलेक्ट्रिक, और इधर हीरो इलेक्ट्रिक इधर है। ये मैम की आपने वीडियो वैसे देखी होगी, तो मैम हीरो इलेक्ट्रिक में काम करती है, ऐसा नहीं कि हीरो जैसी लगती है, तो हीरो इलेक्ट्रिक में काम करती है। तो हाँ मान लिया, हीरोइन लग गए आप बस। तो अगर आपने टेस्ट ड्राइव या कुछ पूछना है तो यहाँ पे वीडियो भी अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट पे हम हाँ नेक्स्ट की वीडियो रहती है, वो जल्दी मैं बना दूंगा, अभी मैडम बिजी चल रही है, 10 तारीख के बाद ही बनेगी वो वीडियो, 10 तारीख के बाद बनेगी, अभी मैम बहुत बिजी चल रहे हैं, अभी उनके सारे पूछने आते हैं, सारी नॉलेज तो मैडम को ही है। तो बस आप अंदर से प्लीज आइए, अंदर से, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ओह सॉरी सर। तो मैं अभी बैक कैमरा चलाता हूँ, मैंने फ्रंट कैमरा ही चलाया हुआ है, ये आप एक मिनट बैक कैमरा। तो फ्रेंड्स डैश की मैंने टेस्ट ड्राइव की वीडियो बना रखी है, फ्लैश की भी बना सकते हैं, ऑप्टिमा है ये, ऑप्टिमा है, ऑप्टिमा की मैंने वीडियो बना रखी है फुल डिटेल से,
क्या बैटरी है, क्या वेट है, क्या प्राइस है और क्या कितने एक बार चार्ज पर करने पे कितने किलोमीटर जाती है? मैडम जी आप बोलो। एक्चुअली ये सभी अभी हमने ब्रह्म सरोवर पे लगाया हुआ है, गीता जयंती पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है 407। आप लोग प्लीज़ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मेरी टेस्ट राइड निक्स पे रह रही है, निक्स पे रह रही है। इस पे मैंने वीडियो ऐसे बना रखे हैं, निक्स मैक्सिम लेकर थे आपको एंट्री नहीं कर जाती। निक्स अरे निक्स, ये निक्स इसके ऊपर हमने एक इसकी हमारी टेस्ट राइड अभी रहती है, वो हम बहुत जल्दी करेंगे मिलके साथ में। तो फ्रेंड्स मैक्सिम लिया मैडम, कहते हैं कमेंट्री तुझे नहीं अच्छे से आती है, मुझे आती है, मैं करती हूँ कमेंट्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का लगा हुआ है, अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी टेक्निकल लवली मनी चैनल पे तो आप ये वीडियो, ये इलेक्ट्रॉनिक का है, इनके ऊपर मैंने सारी वीडियो डिटेल से बनाई है। वो समझने वाले तो ऐसा सबको होता है, मतलब कि फीमेल्स को खासकर तो फीमेल को ज़्यादा रहता है कि हाँ भी सबकी गलती सुधारते रहना, ये कई जने होते हैं रहता है ये फीमेल्स को रहता है कि गलतियाँ सबकी सुधारनी है। एक लड़का हो रहा है हमारे पास में, एक लड़का है जो उसमें लगा है सैमसंग के VPS में लगा हुआ है, वो भी उसमें मेरी गलती सुधारता, मतलब कि उसमें लड़कियों वाले गुण हैं। हाँ तो ये मैडम कहती है ये वीडियो मुझे भेज देना, तो मैडम को आपको ये वीडियो भेज देंगे, यूट्यूब पे देख लेना आज रात को, नहीं कल सुबह। तो क्या है, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हरियाणा दर्शन, हरियाणा के दर्शन दिखाने, वो कितना कंप्लीट हुआ है और कितना रहता है, और 2 से 3 तारीख के बीच में ओवरऑल सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और 3 तारीख के बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी जैसे कि लाइटिंग शो की आएगी, और जहाँ पे सतिंदर सरताज जी आने वाले हैं उनकी आएगी, गुरदास मान जी की, सतिंदर सरताज जी की, और बस इन दोनों की ज़्यादा कवर करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया बढ़िया भाई, ठीक है। भाई चैनल बहुत बढ़िया आपका, शुक्रिया, अच्छी वीडियो बनाते हो, शुक्रिया। ये व्यूज़र है, सब्सक्राइब पता नहीं किया है कि नहीं किया है, कर 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 कर, ये मेरे अब सब्सक्राइबर है, इन्होंने कर रखा है, तो आज की वीडियो में ये आएंगे, क्या बात है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया रखा है मुझे जाते हुए देख ले तो आ जाना मेरे कैमरे में, वैसे कई बोले मेरा बैक कैमरा चल रहा होता है। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी अगर कोई वीडियो में कमी होती है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी और सुधार कर सकूँ, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे कपल्स भी आते हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो एंजॉय करते हैं पूरा पूरा, हम आपको दिखाते हैं। वो मेरे सब्सक्राइबर है, हुए नहीं हो जाने हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये सब्सक्राइबर है, ठीक है, न्यू मैरिज है, काफ़ी बढ़िया लगता है कि यहाँ मेले में आते हैं, ओवरऑल सारे जने आते हैं, धार्मिक है यहाँ, कुछ ऐसा नहीं है, एक बार इनको पूछते हैं। तो सर आपको यहाँ गीता जयंती का मेला देख के कैसा लग रहा है? अभी तो सर स्टार्ट नहीं हुआ गीता जयंती, 4 तारीख को स्टार्ट होगी, नहीं 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। हम भी अभी ठीक है, एंजॉय हो रहे हैं, ठीक है, एंजॉय सर। और बाकी अगर आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो कि हाँ यहाँ पे आओ घूमो, हाँ यही है कि कुरुक्षेत्र में जिसने कुछ देखना है वो गीता जयंती जरूर देखे। आप कहाँ से हो? हम लोकली कुरुक्षेत्र से। स्विमिंग बाय मनी, हाँ फोटो ले लो, आपको आ जाएगी वैसे ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे फैमिलियाँ भी आती है घूमने, तो फ्रेंड्स फैमिलियाँ भी आती है यहाँ पे, ये वीडियो भी बना रहे हैं, और पापड़ भी आते हैं यहाँ पे खाने के लिए केलो, जैसे कि मैं पापड़ खाने के लिए आता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। जो गीता जयंती में घूमने आ रहे हैं, यूँ कह रहा भाई 4 दोस्त घूमने आ रहे हैं, ये सारे जन घूमने आ रहे हैं, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी अभी ये पीछे श्लोक चल रहे हैं, अब श्लोक का मुझे लगता नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। ओ माई गॉड, माई गॉड, जिनका बेड़ा वो खत्म करने आ रहे हैं, कैसे हो ये चेक करो, ये क्या कर रहे हैं? बंदा हमने मसीब पकड़ा है, ये पकड़ा हमने पीछे भाग भाग में पकड़ा है, ये हमारे साथ खेलता है फुटबॉल, इनकी खुद की डायरी थी, अब है आप तो आप डूब डाल रहे बोल रहे हैं, बल्कि बढ़िया है ये बंदा, काफ़ी बढ़िया है। बाकी अब शेक इनका नाम है, मैं इनको बुलाता हूँ पनीर, क्योंकि ऐसे हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। फिर दोबारा अभी चल रहा है ये, यहाँ पे काम चलेगा, यहाँ से एंट्री होगी, ठीक है, ये अभी काम चल रहा है, काफ़ी काम पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, अभी ये काम चल रहा है, काफ़ी काम पड़ा हुआ है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर बैकग्राउंड में जैसे ये कथा चल रही है, श्लोक चल रहे हैं, अगर इसके ऊपर वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो ये मैं म्यूज़िक काट दूंगा, और पीछे कमेंट्री पता नहीं कैसी आएगी। तो ये देख सकते हो हरियाणवी में ये मटके मुटके और ये सारा कुछ तैयार हो रहा है अभी, ठीक है, ये चरखे, पुराने टाइम में जो चरखे होते थे वो सारे, अभी इनके ऊपर काम चल रहा है। भाई ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 3 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पेंट किया हुआ मटकों के ऊपर, अभी मटकों पे काम चल रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हरियाणवी कल्चर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये बग्घियाँ जिसके ऊपर रेस लगती थी
क्योंकि अभी तो गाड़ियों में रेस रखती है, पहले इसके ऊपर रेस रखती थी। ठीक है, ये सारे पराली परूली से ये काम चल रहा है। ठीक है भाई, मुझे कमेंट आया था कि हरियाणा द्वार दिखा दे, भाई हरियाणा द्वार के ऊपर अभी काम चल रहा है। ठीक है, और ये 3 तारीख तक ये पूरा कवर कर देंगे, बस मेन है पहले ये पूरा बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अब हम रथ के पास पहुँच चुके हैं, रथ के पास काफ़ी फैमिलियाँ फोटो में खिंचाती हैं, देखो कितना औसम लग रहा है, औसम लग रहा ना। तो मुझे ये मत कहना कि आपने अब कुछ कवर नहीं किया ढंग से, हाँ वैसे तो कोई कहता नहीं है फिर भी। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, अभी मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, जगह दिखा देता हूँ, यहाँ पे आरती होती है, वो चीज़ जगह दिखाता हूँ ना। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखानी है, वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चिड़ियाँ ची 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 करती हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आरती कहाँ होती है मैं वो भी चीज़ दिखा दूँगा। तो ये हम अब आगे चल रहे हैं, यहाँ श्लोक चल रहे हैं, और आई थिंक उन्होंने वहाँ मंदिर पर कोई पंडित जी बैठते हैं, उनका इंटरव्यू किसी ने बोला था मुझे कमेंट में, जो मैं कवर नहीं कर पाया, कमेंट मतलब कि कवर किया उन्होंने, उनका इंटरव्यू कवर किया, तो मैं आपका प्रणाम कर दूंगा और इंटरव्यू भी ले लूँगा और कुछ ज्ञान की बात भी करने की। ठीक है, अभी यहाँ पे चिड़ियाँ बोल रही होती हैं शाम के टाइम, अभी लेट हो गए हम, तो अभी चिड़ियाँ बोल ही रही, शाम को चिड़ियाँ बोलती हैं बहुत अच्छा लगता है, और अभी रंगोली बन रही है। ठीक है, क्योंकि 6 तारीख से आपको गीता जयंती याद देखना का, देवताओं को पूजने वाले भी ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। ठीक है, और अभी रंगोली कैसे बन रही है मैं दिखाता हूँ, गीता जयंती की। ठीक है, और ये गीता जयंती की तैयारी चल रही है, ये रंगोली बना रहे हैं। ठीक है, आप देखो रात को भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये आई होप कि जल्दी कवर कर देंगे, कवर हो जाएगी। और अभी बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है, ये देखो एक इन्होंने मोर बनाया हुआ है, और ये पहले पांदे हुए मोर बनाया हुआ है, और ये उधर पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी औसम कर रहे हैं ये, आप देखो उधर भी रंगोली कर रहे हैं, ये गिल्ली है। ठीक है, और बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा होगा उसके लिए, सॉरी। ये देखो जो ये कृष्ण जी बनाए, नहीं ये एक लड़की बनाई हुई है, उसके हाथ में कुछ आई थिंक, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, ये मैं ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ, और मुझे पता नहीं ये क्या बन रहा है, पर वो समझ में आ रहा है, वो मोर है। ठीक है, इसमें ये लड़की बनी हुई है, उसने हाथ में पता कुछ पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये पता नहीं है। ठीक है, ये आगे भी इन्होंने बनाना, वहाँ तक अगर आगे भी बन रही है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पेंट से बना रहे हैं, ठीक है, अभी ये इनको क्लीन कर रहे हैं पूरा, ये पीछे ना श्लोक चल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, ये मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से, एक बार इनसे बात कर लेते हैं, कहाँ से इनसे पूछ लेते हैं, मैम आप कहाँ से हो, और थोड़ा लाउडली बोलना पीछे स्पीकर से। माय नेम इज प्रिंसी एंड आई एम फ्रॉम झांसी। तो ये जितने भी आप बना रहे हो, ये सारी आपने कहाँ तक बनानी है, यहीं तक बनेंगी या आगे तक? हाँ नहीं, ये यहीं तक बनेंगी, एक लिमिटेड एरिया दिया गया है। अच्छा, और इसमें कितनी क्या आ जाएगी ये रंगोली जो आप बना रहे हैं, इसको कहते क्या, रंगोली कहते हैं या कुछ? एक्चुअली ये फ्लोर पेंटिंग है। अच्छा, और ये मतलब कि आपके यहाँ कितनी टीम आई हुई है, कितने जने आए हुए हैं? अभी तो कम से कम 40-50 टीम्स आए हैं। अच्छा, और ये आप कब तक कवर कर दोगे? ये इसके लिए 4 डेज मिले हैं। अच्छा, अभी 2 डेज हो गए हैं, अब 2 डेज और हैं। अभी आपने और कहाँ बनाई है? हम लोगों ने नहीं बनाया, हम लोग वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, और ये बनाएंगे? हाँ, ये सारे बनाएंगे, ये आगे अभी कुछ आई भी नहीं। ठीक है, वो यहाँ मतलब कि आगे आपने यहाँ तक बनाई हो तो मैं कवर कर लूँगा, पर अभी ये ओवरऑल आप मुझे बताओगे ये कितनी बनेगी, 10, 12, 15 कितनी बनेगी? ये टोटल 50 बनेगी शायद। 15 बनेगी, 50 50 50 जब 45। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लोर पेंटिंग बना रहे हैं, ये 45 बनाएंगे। थैंक यू मैम आपका। तो मैं ये ओवरऑल आपको सारी दिखा देता हूँ, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कहाँ से आए थे, झांसी से आए हुए हैं ये। ठीक है, ये 43-45 बनने वाली हैं। ठीक है, ओवरऑल हम आगे चलते हैं, इन्होंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये मार्क किया हुआ सारा। ठीक है, और यहाँ पे आरती होती है, मैं वो भी दिखा दूंगा, बाकी जो रंगोली रहती है मैं वो भी दिखा दूंगा, पहले मैं रंगोली कवर करूँगा। पर ये श्लोक चल रहा है पीछे, अगर श्लोक की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि ये नॉइस कर रहा है, गाने नहीं चल रहे हैं, ये आवाज़ ऊपर नीचे हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये अभी वर्क कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करना है, वहाँ पे ये अभी इन्होंने वाइट पेंट किया है। हेलो, क्या हाल है भाई? मैं तेरी यार यूट्यूब वो देखा। एक मिनट,
एक और सब्सक्राइबर और कैसा भाई? बढ़िया भाई, मैंने तुम्हारी यूट्यूब वो देखा स्विमिंग कुछ करके, स्विमिंग बाय मनी जी, उसी पे आएगी ये वीडियो। हां फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मैंने यूट्यूब वीडियो देखा, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू। सब्सक्राइब भी करूंगा आज, नहीं सब्सक्राइब कर रखा हूं, आज की वीडियो का डालोगे तो बता देना। हां जी, ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, ओके। तो फ्रेंड्स थैंक यू भाई। तो फ्रेंड्स ओवरऑल थोड़े बहुत तो मुझे जानते लगे हैं, तो ये बैकग्राउंड मैं आपको दिखाता हूँ सारे, मैं कितनी कितनी रंगोली बनाई हुई आए हूँ। आप भी झांसी से हो? झांसी से हो? नहीं, कुरुक्षेत्र से। आप कुरुक्षेत्र से हो? अच्छा, कई जने झांसी से भी है ना यहाँ। तो ये आप देख सकते हो, ये सारी बनी हुई है, ठीक है। बाकी ये तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल इसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो वो उनका ड्रिंक्स का ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें ये पेंटिंग होगी, ये करने के बाद अपनी फोटो खींच रहे हैं, काफ़ी बढ़िया। अभी ये बना रहे हैं, ये कैम्बल बन रहा है, ऊँट बना रहे हैं ऊँट, तो इसमें ट्राईपॉड भी रखा हुआ है ना, बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए फार्म में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ऊँट बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा। और इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मतलब इनके पास चार दिन है, दो दिन हो चुके हैं, ठीक है। ये अभी कवर कर रहे हैं, और मतलब कि एक क्या कहते हैं फ्लोर पेंटिंग, हाँ इसको फ्लोर पेंटिंग कहते हैं। और ये तीन जने लगे हुए हैं, और इन्होंने काफ़ी हद तक कवर कर दिया, और ये मतलब कि करना बढ़िया, मतलब कि इंटरनेशनल गीता जयंती जब पूरी तैयार हो जाएगी ना 4 तारीख को, आपको पता चलेगा पूरा एकदम ज़बरदस्त वाला, ठीक है। ये वाइट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, आगे हम चल रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये तैयार हो रही है भी, और हो भी गई है, मुझे पता नहीं, ये हो रही है अभी, ये वर्क हो रही है, ठीक है। ये भाई तैयार कर रहा है अपना, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मेहनत कर रहे हैं सारे ओवरऑल इंटरनेशनल गीता जयंती में, ठीक है। फ्लोर पेंटिंग है, ये भी देख सकते हो, ये भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। सारे अपना अपना बना रहे हैं, ये रथ बना रहे हैं, ओ सोमबली, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अब साउंड मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, अब चांसेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू मैम। तो ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि आप हरियाणा में आओ देखो कितना मतलब कि हरियाणा तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इधर गर्ल्स बना रही हुई हैं, इन्होंने बनाया हुआ है ये, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया हुआ, अति उत्तम। ये बंसरी बनाई हुई है, साथ में मोर बनाया है, मोर का पंख बनाया हुआ है, उसमें हाथ जोड़े हुए बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा। और ये इन्होंने शंख बनाया हुआ है, ठीक है। ये भाई बना रहा है, भाई है बहन है पता नहीं, ये बहन है, ठीक है। और इन्होंने ये कपल्स बनाया हुआ है, राजा रानी बनाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बना रहे हैं, और इनको ठंड भी लग रही है, तो ये आप देख सकते हो कि हाँ भी इधर अभी एंट्री नहीं है, इधर ये बना रहे हैं, ठीक है। और ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है कि हाँ भी ये कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो देखे अच्छा लगे, ठीक है। ये देख सकते हो इनके उनके छोटे छोटे काम में भी ये अच्छे बरीकी से कर रहे हैं, ठीक है, वो भी वर्क कर रहे हैं। अभी वो उनका ये चल रहा है, ये आप देख सकते हो, इनमें ये अभी चल रहे हैं, नीचे नीचे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, ये भी अभी कर रहे हैं, ठीक है। और ये अभी मतलब कि क्लियर कर रहे हैं कि अभी कुछ रहा तो नहीं किया, ठीक है। ये अभी कवर कर रहे हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपने। और ये क्या आप लास्ट में सैंड भी करोगे, हाँ भी हमने बनाया है, या फिर नहीं ऐसे रख दोगे, करोगे मतलब कि हाँ भी हमने बनाया है, ये आपका नाम आएगा। तो फ्रेंड्स जब ये ओवरऑल कवर हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। ये देखो ये बाइक कर रहा है, ठीक है, ओ भाई इंग्लिश बोले, अच्छा सर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और शायद उनको हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश आती होगी, हाँ तो अपनी थोड़ी भाषा ऐसी है ना, अपनी पंजाबी है बस। तो ये फ्लोर पेंटिंग काफ़ी बढ़िया हो रही है, ये मैं थोड़ा जू आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो ये भी लगे हुए हैं, ये बरीकी से, मतलब कि अभी इनके पास दिन कम है, तो ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये अभी मतलब कि इसके बीच में डांस करते हुए बनाएंगे। ये देख सकते हो आप, एकदम बरीकी से काम कर रहे हैं, और सोच करो हम पेज पे बनाने में इतना टाइम लगता है, ये तो फिर भी फर्श पे बना रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये कर रहे हैं आराम से, मतलब इनको जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना है, और बढ़िया से बढ़िया बनाना है। सूरज कितना बढ़िया लग रहा है, ऑसम लग रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग फ्लोर पेंटिंग कर रहे हैं, ये फ्लोर पेंटिंग, ये क्या बन रहा है ये 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 ओ अखिल खुराना भाई कैसे हो, ये इनका भी चैनल है, और इनका एक चैनल है, थैंक यू चल बस शुक्रिया आपका ना, बस थैंक शुक्रिया, मुझे काम था अभी आप। तो फ्रेंड्स ये बना रहे हैं, ये अभी क्या बना रहे हैं, इसका मुझे दिख नहीं रहा कुछ क्या बना रहे हैं, ये आई थिंक क्या बना रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, मछली भी है इसमें। अभी ये मैं पूछता हूँ, मैम आप क्या बना रहे हो ये? वैसे तो फ्लोर पेंटिंग है, पर अभी ये जो आप बना रहे हो ये इसमें क्या क्या आएगा, जैसे ये क्या बना रहे हो अभी आप? श्री कृष्ण भगवान के जितने रूप हैं वो सभी इसके अंदर, इसी के अंदर
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया, भागवत गीता में जितने भी श्री कृष्ण जी के रूप है वो सारे एक ही के अंदर बनाएंगे जी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। तो ये फ्रेंड्स आगे देख सकते हो जी, आगे आप देख सकते हो कि कितनी मतलब कि बढ़िया भाई बना रहा है एकदम। और ये बना रहा है आई थिंक बैठे के, ये कुछ रंगोली बना रहे हैं, ये भी कुछ लिख रहे हैं। और ये पेंटिंग की हुई है, बहुत अच्छी फ्लोर पेंटिंग की हुई है इन्होंने, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो आज पक्का लंबी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाथी तो बन गया, साथ में ये ऊपर कौन बन रहा है ये आप देख सकते हो। अभी कंप्लीट नहीं है ये, आप देख सकते हो, अगर देख सकते हो फोकस करके, पर ये कंप्लीट होने के बाद ऑसम लगने वाली है। ठीक है, पर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ये मैम। मैम ये क्या बन रहा है? तो फ्रेंड्स ये जो बना रहे थे वो चले गए हैं, पर फिलहाल मुझे हाथी का पता लगा कि ये हाथी है। और जो आप देख सकते हो फ्लावर बना रहे हो, काफी अच्छे फ्लावर बना रहे हैं ये। ठीक है, ये देख सकते हो कितना अच्छा मतलब कि इन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। ये तीन चार जने बना रहे हैं लड़के, ये देख सकते हो ये सारे पेंटिंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं पूरा एकदम। ये आप क्या कर सकते हो, ये आप क्या बना रहे हो अभी, क्या क्या बनाओगे? ऊंट बनाओगे? तो यहाँ पे ऊंट बनेगा कंबल, ये अभी वर्क कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने मोर बनाया हुआ है, विंडो में मोर बनाए हुए हैं, जिसके आप घर के बाहर देखोगे तो मोर बाहर देखते हो ना, मोर होते हैं, तो वो सिस्टम बना रखे हैं इन्होंने, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये अभी मोर बना रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया मोर बना रहे हैं। और ये जैसे हम विंडो में होते हैं, जैसे घर में होते हैं ना, तो वैसे इन्होंने ये देख सकते हो, जैसे घर में हम क्या पुराने टाइप पे क्या होता था, आप विंडो के बाहर देखो तो आपको मोर दिखते थे ऐसे बैठे हुए, या फिर विंडो में बैठे होते, तो काफ़ी औसम मतलब नज़ारा है। अभी आप जब इसके ऊपर बन जाएगी, जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको और मज़ा आएगा। हाँ हाँ, कुछ ये अभी जो बना रहे थे वो चले गए हैं, तो पर उसको कवर कर गया। तो ये आप देख सको, ये चटाई बनाई हुई है, ये दिख रही है ना आपको, चटाई बनाई हुई है। तो ये इन्होंने पन्नी के ऊपर भी लिखा है, तो ये हाथी बन रहा है, ओ हाथी जहर वाला। और साथ में ये लड़की डांस करती हुई बन रही है, और साथ में मोर भी बना हुआ है, उधर शेर बना हुआ है। तो ये कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। और तो ये इधर देख सकते हो इनका सारा सामान, सूट है मतलब कि पेंट वेंट के डब्बे सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कछुए बने हुए हैं, और ये बना रहे हैं अभी, इसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। जो ओवरऑल सारा बन चुका है, इसको सीधा करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। और इसमें लगे ना पैर, मतलब निशान लगे, तो ये चेक कर सकते हो, वो जहर एकदम जहर। ये सूर्य बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रम बजाने वाले शहनाई, ये हाथी बना हुआ है, कहर लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना आपको, देख के मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, इसमें क्या है, इसमें पैर बना हुआ है, आई डोंट नो। ये शेषनाग बना हुआ है, पता नहीं यार, ये समझ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, पर ये इधर चारों तरफ हाथी बने हुए हैं, ये पता है। वो शेषनाग बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वो बना क्या हुआ है, आई थिंक मुझे कमेंट में बताना अगर समझ में आए तो वो क्या बना हुआ है। और सीधा मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ, इधर से ये कुछ ऐसा दिखता है, और इधर से कुछ ऐसा दिखता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वो बना क्या हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बन, ये बीच में जी, नहीं बे बीच में है क्या, ये अभी भी कल पता लगेगा, खुद उसकी डिटेल होगी। अच्छा मतलब कि अभी ये तैयार हो रहा है, अच्छा ये तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ये शेषनाग बन रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये इन्होंने बनाया हुआ है। अभी इनसे पूछते हैं ये कैसे बनाया, मतलब कि कितना टाइम हो गया इनको। फ्रंट कैमरा पीछे देख रहे हो ना, ये ड्राइंग की हुई है, पेंटिंग कहते हैं इसको, फ्लोर पेंटिंग कहते हैं, जो इन्होंने की हुई है। सबसे पहले पूछते हो, वैसे ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वंशिका चिकारा, और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। तुझे लोकली है मतलब कि ये वहाँ? नहीं मैं लोकल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बैचलर्स कर रही हूँ फाइनेंस। अच्छा आप कहाँ से हो? वैसे मैं यूपी से हूँ। ये यूपी से है, और ये बनाते हुए कितना टाइम हो गया आपको? हमें कल मॉर्निंग का टाइम दिया था, बट ये लेट स्टार्ट हुआ है, तो हमने कल वाइट बेस इसमें नीचे दिया था, आज हमने ये सारा किया है, कलरिंग बेस पेंट दिया है, जो हमारी ड्राइंग है वो सारी, कल इसकी थोड़ी डिटेलिंग्स जाएंगी। और ये कवर कब तक हो जाएगा, कब तक हमें टाइम कल तक का मिला है, तो आपने मॉर्निंग को हमें बस ये फाइनल करना है। तो बेसिकली हमारा बेस पेंट हो चुका है, अभी हमने इसमें डिटेलिंग्स देनी है सारी। अच्छा मतलब कल ये कवर हो जाएगा, कल कितने बजे तक? 4-5 शाम तक कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कल मेरी नेक्स्ट वीडियो शाम को ही बनाने वाला हूँ मैं, तो कल कोशिश करूँगा कि ये सारा कवर हुआ दिखा दूंगा, जितने भी है ये और वो एक साथ ही बना रहे हैं, ठीक है। और क्या मेरी 4 मेंबर्स की टीम है? हाँ इनकी 4 मेंबर्स की टीम है, हम 4 लड़कियां हैं। ओके, और तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, वैसे ये इनकी मेरे ख्याल से टिकटॉक पे, पता नहीं इंस्टाग्राम पर, कहाँ कहाँ आईडी आप नहीं बता दो इनका, चैनल है चिकारा वंशिका ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक मेरे को आती नहीं बनानी, बस यही है इंस्टाग्राम पे। तो ये इंस्टाग्राम पे है, जिसने करना होगा फॉलो कर लेना, और मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है टिकटॉक पे फॉलो करने की, तो आप बस ऐसे ही मशहूर है।
तो फ्रेंड्स इधर ये बना रहे हैं, ये लड़के बना रहे हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ओ तो ये भाई बना रहे हैं, इन्होंने रंगोली इनकी स्टार्ट हुई है। भैया आप कब तक कवर कर दोगे? हैं 30 तारीख तक, मतलब कि कल कितने बजे? शाम तक। तो फ्रेंड्स कल रात को होगी, कल मतलब कि कल यही टाइम है जब वापस आऊँगा, देखेंगे कहाँ कितनी बनी होगी। अभी ये देख सकते हो आप, पीछे सारे जने लगे हुए हैं धड़ाधड़ काम करने अपने, ठीक है। उधर भाई साहब फोटो खींचने लगे हुए हैं, मेरी फोटो उठा बाद में भाई, मैं अभी बिजी काम कर रहा हूँ, ऐसे मालूम फुकरी। तो फ्रेंड्स ये बाइक कर रहे हो, भैया आप कहाँ से हो? दिल्ली से। ये दिल्ली से है, और न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली? न्यू दिल्ली से हो, बल्कि यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? बस ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बोले दिल्ली में कहते हैं प्रदूषण ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रेश है। अच्छा तो फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, ये दिल्ली से है, मैं बैक कैमरे से एक बार इनको दिखा देती हूँ। ये दिल्ली से है ये भैया, ये बना रहे हैं, काफ़ी मतलब कि लगे हुआ लगन से करने का, काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ये भैया, ये इनकी तीन, आपकी तीन जनों की टीम है भाई, ये तीन जने हैं, ठीक है ये, ठीक है। तो ये तीनों जने बना रहे हैं, और ये भाई लगा हुआ है। भाई आपकी टीम कितने जनों की है? ये पांच जनों की टीम है, तो इनका लगभग काफ़ी कवर हो चुका है, और थोड़ा सा ही रह गया है। दो इनके वो मेंबर लग रहे हैं, एक भाई है, दो जने छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ। और ये आप चेक कर सकते हो, अभी मोर की डिटेलिंग करेंगे, ये अभी डिटेलिंग होगी, कल ओवरऑल सारी हो जाएगी, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, ये अभी बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये भी बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है ये, क्या बना रहे हो भैया? मछली तो दिखी भाई, फ्लोर पेंट कर रहे हैं। ये फ्लोर तो पेंट कर रहे हैं, नहीं मतलब इसमें आप क्या बनाने वाले हो? जैसे ये फिश बना रही है, लैंडस्केप बनेगा है? लैंडस्केप। एक मिनट भाई, मुझे नाम नहीं लेना, ये नाम बोल रहा है एक बार, एक लंबा था ये नाम, इंडियन मोटिव्स। भाई आपको समझ में आएगा, इंडियन मोटिव्स बन जाएगा, जब बन जाएगा जब आपको मैं दिखा दूंगा, पर मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर ये लग तो कुछ रहा है, कुछ कहर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये फिश दिख रही है, ये और फिश एक वो भी है जो पानी के अंदर है, ठीक है। मतलब ये सारी दोनों पानी के अंदर ही है, ये चेक कर सकते हो। ये अभी स्केल के साथ नाप के बना रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे वाले ड्रॉइंग करने वाले हैं, आई थिंक कवर हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। और इधर ये क्या बना, इधर ये अभी कंप्लीट हो रही है, ये मेरे ख्याल से चले गए, ये घर चले गए। ये भाई हंस रहा है, सॉरी। तो ये देख सकते हो ये बना रहे हैं, ठीक है। और ये पहले इंचिंग चौक भी वर्क आया हुआ है। तो ये भाई आप कहाँ से हो? ये करनाल से है, ठीक है। आपके कितने जनों की टीम है? हमारी टीम है, ये तीन जनों की टीम है। और ये क्या लगता है, कल शाम तक होगा या रात तक? आज रात को कवर करके जाओगे? तो ये आज रात को पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। और ये एक ये हैं, ये भाई आपके साथ है? हाँ। ये अच्छा, ये इनके साथ है, और ये दो हैं इनके, उनकी तीन की टीम है, तीन की, ये तो चार हो गए। तीन कैसे? दो। अच्छा ये चेक करने वाले को इस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो। ये नमस्ते करते हुए, ठीक है। अच्छा मतलब कि ये और वो मैम और एक भाई, वो उधर गया थोड़े सैर करने के, थक भी जाते हैं बैठे बैठे। और ये बना रहे हैं। भैया आप कहाँ से हो? दिल्ली से है ये। और आपकी टीम तीन जनों की, चार जनों की, पांच जनों की? ये चार जनों की, और दिख तीन रहे हैं, और ये इनकी चार जनों की टीम है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, ये बना क्या रहे हो भैया? ये एंट्री गेट बना रहे हो क्या? ये आप चेक कर सकते हो, इन्होंने बनाया हुआ ये गेट, मतलब कि काफ़ी बढ़िया बना रखा है। तो ओवरऑल वहाँ तक बस यही है ना, ओवरऑल वहाँ तक ये बना रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी जाते जाते हम सारा कंप्लीट दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले वाली ये आएगी, उसके बाद आपको ये मिलेगी। अभी ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट आपको कल वीडियो देखने को मिल जाएगी, कल शाम कल रात तक आपको वीडियो मिल जाएगी देखने को। तो ये फ्रेंड्स अब, तो फ्रेंड्स हम चल रहे हैं जल्दी जल्दी आगे। तो फ्रेंड्स जी मैं आप जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बीच में थोड़ी डिस्टर्बिंग हो जाए उसके, सॉरी। जब आप देख सकते हो कई जगह काम चल रहा है, कई जगह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिनिशिंग रहता है, और कई आज फिनिशिंग, ओ हटना थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो हाथी बन गया पूरा कंप्लीट, जहर लग रहा ना, जहर। मतलब टिकटॉक बनाने का मजा आ जाएगा, टिकटॉक हम बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखते हो सूरज की मूछें हैं। अच्छा ये सूरज आपने फीमेल बनाई हुई है? अच्छा ये सूरज फीमेल है, तभी इसकी स्माइल है। अच्छा ठीक है। तो ये भाई, हाँ जी भाई, यार बहुत नाइस पेंटिंग बनाई है। ओ थैंक यू, ये सबने नाइस पेंटिंग बनाई है। भाई ने कैमरे में आना था तो मैंने इसे कैमरा ही कर दिया बैक। तो ये देख सकते हो कछुए, ये अभी फिनिशिंग टच यहाँ पे भी होना है, और ये कर रहे हैं अभी। तो आई थिंक कई जने अभी करके जाएंगे, कई जने कल सुबह करेंगे, ठीक है। कईयों को अब हो गया है, तो ये के तो गाने चल पड़े यार, शट मैन। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हो,
ये मोर का भी टच हो रहा है फिनिशिंग, और ये अभी चल रहा है, ठीक है। अभी ये इधर बैठे हैं तो अभी मैं वहाँ से दिखाता हुआ आ रहा हूँ, तेज 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 तेज। अब हम आगे जा रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, और यहाँ पूजा होती है ना, वो भी चीज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये हाथी, ये आप देख सकते हो हाथी बने हुए हैं, ठीक है। ये इस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो उधर बाइक खड़ा हुआ था, मैं इधर से इसलिए आ गया। तो ये इसमें ओवरऑल सारे गणेश भगवान कृष्ण जी के सारे रूप आएंगे, ये मैंने पूछ लिया था। और इसमें ये अभी काम चल रहा है, ठीक है। कल जब ये पूरी हो जाएगा तो आपको देखने का पूरा नज़ारा आएगा, एकदम मज़े वाला, ठीक है। ये अभी काम चल भी रहा है कई जगह पर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, हो जहर। तो हम आगे जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पे अभी काम चल भी रहा है। अभी ये जब हम आए थे तो बंसरी सफ़ेद थी, अभी काम चल रहा है, मतलब कि इसका भी। तो ये आप देख सकते हो, तो ये रहा रथ, ये रथ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये अभी कवर नहीं हुआ, मतलब कि अभी ये चल रहा है, अभी ये पूरा फ्लोर करके ये कल मेरे लगता है आई थिंक ये कल कवर कर देंगे। और अब हम ये देख सकते हो, ये बना रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने ट्राईपोर्ड में कैमरा भी रखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। ओ ये जहर दिखा रहा है ना फ़ोन में मैंने, तो ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी इसके अभी फिनिशिंग टच होना है, ठीक है। और इसमें ये अभी फ्लोर पे पेंटिंग कर रहे हैं, अभी इनका रहता है और काफ़ी रहता है। और तो ये चेक कर सकते हो, अभी इसमें स्टार्टिंग हुआ, ये स्टार्ट हुआ अभी फ्लोर में हुआ, ठीक है। ये इनका कईयों का फ्लोर हो चुका है, ठीक है। ये अपना फिनिशिंग करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि इनका फ्लोर कवर हो चुका है। कईयों ने आज ही कवर करना है और कईयों ने कल कवर करना है। तो ये भाई लगे हुए हैं, ये भाई कुरुक्षेत्र से ही हैं। ओ ये डूड, आज ख़त्म करके जाओगे क्या? तो ये इन्होंने अभी फ्लोर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये आप देख कर सकते हो, इन्होंने वाइट पूरा फ्लोर ये वाइट करना है, उसके बाद पेंटिंग करनी है। अभी ये अभी स्टार्ट होना है 53, ठीक है, नहीं 36, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं 36, 37, 38, ये ऐसे अभी आगे बनने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पूरी शांति है, और चिड़ियाँ ही बोलने लगी, इस पेड़ पे चिड़ियाँ बोलती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी कम बोल रही हैं, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, तो कई चिड़ियाँ सो चुकी है, क्योंकि इनकी रूटीन रहती है कि ये लगभग 5-6 बजे सो जाती हैं। मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि ये अभी बन रहा है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये मैंने पहले भी दिखाई है। अब ओवरऑल ये मैंने आपको सारी ही दिखा दी हैं कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हो गया है, आगे फिलहाल तो इनके पास इतना ही था, आगे अगर बनती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। ओवरऑल ये फ्लोर पेंटिंग मैंने आपको दिखा दी है, और कई जगह दिल्ली से है, कई कोलकाता से है, कई झांसी से है, और कई करनाल से है, कई जींद से है, अलग अलग है ये सारे, ठीक है। और यहाँ टोटल बनने वाली हैं 45 बनने वाली हैं, ठीक है। फ्लोर पेंटिंग जो होने वाली है 45, और ये ओवरऑल जब हो जाएगी तो ऑसम लगने वाली है। और ये कल तक हो जाएगी, कल रात तक हो जाएगी, मतलब कल ये 7-8 बजे तक हो जाएगी, ठीक है। और 3 तारीख तक आपको ये गीता जयंती पूरी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि अगर आपने कोई लाइटिंग शो देखना है, जसतिंद्र सरताज नहीं गुरदास मान जी आएंगे 3 तारीख को, 3 को आएंगे, 4 को आएंगे, जब भी आएंगे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, आप टेंशन। 6 तारीख से आएंगे आई थिंक, मुझे याद नहीं, अब मैं भूल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ओवरऑल दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आरती होती है शाम को, और उसके बाद मैं वीडियो का एंड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आरती होगी। एक चीज़ बता दूँ कि इसमें अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आरती भी चल रही थी, और बीच में जब ये जो ड्राइंग कर रहे थे, इनके कईयों के फ़ोनों पर गाने चल रहे थे, और इधर फोटो सेक्शन और गेट, ये एक नंबर गेट है, ये पुल जा रहा है, ठीक है। अगर आप एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे होती है आरती, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे अभी ये फ़ोटो खींच रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे इंटरव्यू लेने को मुझे बोल रहा है, पर मुझे अभी पता नहीं, मैं पता करूँगा, उनकी सारी डिटेल पता करूँगा, तो मैं सारी डिटेल पता करने के बाद उनका इंटरव्यू जरूर लूँगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे शायद, भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शायद यहाँ पे आपने इंटरव्यू बोला है ना किसी का लेने का, मुझे उनका नाम नहीं याद, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे होती है आरती, ठीक है, आरती की कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो कवर कर लूँ, और 7 तारीख, मतलब कि जब गीता जयंती अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि 3 से 4 तारीख को लगा लो, 4 तारीख को गीता जयंती अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, और पूरी प्रोफेशनली, मतलब कि सारे A to Z कवर 4 तारीख को हो जाएंगे। और रथ के एकदम पास में ये आरती होती है, और जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आप इंटरव्यू लेना उनका, तो वो आई थिंक यहीं पर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर लगा हुआ है, ये शड्डे से लगी हुई है, ताँ जो कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे बारिश बुरश हो तो यहाँ खड़े हो जाए, बाकी पत्ते पुत्ते ना गिरे, तो बाकी यहाँ फोटो सेशन कर रहे हैं, ठीक है। उधर हम कैमरा नहीं मारेंगे। यहाँ पे होती है आरती, ठीक है,
जी आप ये देख सकते हो, ये जो यहाँ पे ऊपर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे होती है आरती, यहाँ पे खड़े होते हैं सारे जने और दूर तक देखते हैं यहाँ पे क्या नज़ारा आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं यहाँ पे। हरियाणवी कल्चर की तैयारी चल रही है और इधर भी किसी चीज़ की तैयारी चल रही है, वो चल किस चीज़ की रही है वो मैं अभी भूल गया। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है और वो मैं आपको दिखा दूँगा या फिर नेक्स्ट कल जो वीडियो बनाऊँगा उसमें बता दूँगा। इसमें बहुत कुछ होगा देखने को, अभी मतलब ये 4 तारीख तक ओवरऑल सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वो कुआ है यहाँ द्रौपदी जी स्नान करते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कुआ, यहाँ पे द्रौपदी जी स्नान करते थे। अभी इसके अंदर काम भी चल रहा है, मैं दिखाता हूँ, इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं और पूछ लेते हैं अगर कोई हमें मिलता है कि भाई ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है, जहाँ पे क्या होना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये बांस बूंस लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हो भैया ये। तो फ्रेंड्स एक सेकंड, मैं उधर हो गए, वो होंगे हरियाणवी कल्चर, मतलब कि हाँ कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम। हाँ तो और इधर उस साइड में उत्तराखंड का प्रोग्राम है। अच्छा, उस साइड उत्तराखंड का होगा, अभी उधर तैयारी हो रही है। हरियाणा के होगा, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट आएगा, एग्रीकल्चर आ गए, शिक्षा आ गए, स्वास्थ्य आ गए, अच्छा सभी अपने इस साइड में आएंगे और परली साइड में रहेगा वो संस्कृति प्रोग्राम। संस्कृति प्रोग्राम उधर रहेगा जिसमें कि मेरे ख्याल से ताऊ बैठे होते हैं लगा के वो वाला सिस्टम, और इधर रहेगा कि जो पढ़ाई पढ़ुई चलती थी या फिर कैसे हवन हुवन कराते थे वो इधर रहेगा। और उधर क्या रहेगा, उत्तराखंड का। तो फ्रेंड्स ओ परली एरिया में उत्तराखंड का अभी उधर तैयारियां चल रही हैं। 4 तारीख तक ओवरऑल जो सारा कवर हो जाएगा ना सर, 4 तारीख तक। हाँ 3 तारीख से स्टार्ट, मतलब 3 तारीख को स्टार्ट है, 8 तक मेन रहेगी, उसके बाद मतलब कि 10 तक चलेगी। थैंक यू सर। तो ये ओवरऑल सारी जगह चल रही है, ये उधर से उधर लेके उधर उत्तराखंड का चलेगा, उत्तराखंड वाली साइड परली साइड, मैं फिसलने वाला था, तो परली साइड भी अभी चल रही है, वहाँ उत्तराखंड का चलेगा। जैसे कि उत्तराखंड का जो होता है, मुझे पता नहीं उत्तराखंड का क्या होता है, मुझे याद नहीं। तो फ्रेंड्स उधर चलेगा उत्तराखंड का, मैं अभी उधर साइड चल रहा हूँ, इधर तैयारी चल रही है। 4 तारीख तक मेन स्टार्ट हो जाएगी, ओवरऑल 4 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, मेन गीता जयंती, ठीक है, जिसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बहुत है, मतलब कि काफ़ी इनकी जो स्टोरीज़ है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि मुझे ओवरऑल नहीं पता, पर जो पेड़ है ना यहाँ पे, जब आप शाम को गुजरोगे, मतलब कि ओवरऑल 4-5 बजे के आसपास, तब चिड़ियाँ चींची करती हैं, इतना औसम नज़ारा आता ना, औसम कितने जहर वाला। ठीक है, और यहाँ फ्रेश एकदम ताज़ी हवा, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो रात को खैर क्या नहीं है, दिन में आती है। तो फ्रेंड्स ये मंदिर है, यहाँ उत्तराखंड का ये सारा सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड का यही रहता था, अभी जो कवर मैंने सारा कर लिया ओवरऑल, जरा मतलब कि कवर मतलब कि अभी रहता है गीता जयंती में आपके लिए देखने के लिए, तो उसका एक ठोस सबूत बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी है कुछ दिन, मतलब कि 10 तारीख तक आप देखोगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको देखने को गीता जयंती मिल जाएगी बिना आए हुए। अगर आप किसी काम में बिजी हो जाते हो तो आपको आने का टाइम नहीं लगता, तो आप देख सकते हो गीता जयंती घर बैठे बैठाए मेरे चैनल पे। ठीक है, हाँ गीता जयंती देखने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको नहीं अच्छा लगे। वैसे मैं स्विमिंग से रिलेटिव मैं वीडियो बनाता हूँ, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कोशिश करूँगा कि मुझे उधर का पास मिल जाए जिसके कारण एकदम क्लोजअप एकदम पास से बैठ के मैं शूट ले लूँ, और बस यही काम है, जिंदाबाद, पास की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहना, सपोर्ट करते रहना, और अगर आप वीडियो में आएगा तो कमेंट करके बता देना वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा, वो भी बता देना। डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स। ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप गीता जयंती देख रहे हो, और मुझे लगता है कि इस चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, अगर आ गई तो मेरा बहुत टाइम खराब होगा। तो ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं टैक्सी न्यूज देता हूँ। थैंक यू वॉच द वीडियो।